जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं हमारी जो नई सीरीज़ है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंट्रोडक्शन हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है, मेन हीरो है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? नाइट्रोजन रूल। मास स्पेक्ट्रो आप पढ़ रहे हैं और नाइट्रोजन रूल आप नहीं जानते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। और उसके लिए मैं हूँ कि व्हाट इज़ नाइट्रोजन रूल। इस लेक्चर में हम नाइट्रोजन रूल के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। देखिए, सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि नाइट्रोजन रूल को हम पढ़ें। क्यों पढ़ें? इसका यूज़ क्या है? तो यूज़ इसका यह है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि ये जो है मॉलिकुलर आयन को जो है आइडेंटिफाई करता है। नाइट्रोजन रूल से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कंपाउंड के अंदर मॉलिकुलर आयन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मॉलिकुलर आयन को क्यों आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है? बिल्कुल, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर क्या, कि जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में है पॉजिटिव आयन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन की स्पीसीज को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। हो गया, क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉलिकुलर आयन आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाया नाइट्रोजन रूल। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाट इज नाइट्रोजन रूल। नाइट्रोजन रूल है क्या? क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर तो क्वेश्चन में यहाँ पे जनरेट होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड थिंग, उनका आंसर, उनका सॉल्यूशन ढूंढना। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन हम उसका आंसर ही नहीं ढूंढ रहे। नाइट्रोजन रूल क्या है? मैंने इसको टू फ्रेगमेंट के अंदर बाइसेक्ट कर दिया है। फर्स्ट फ्रेगमेंट इसका देखते हैं क्या है। वैन एम अपॉन ई, दिस इज द की वर्ड, एम अपॉन ई। इसी को आप कई बुक्स में ऐसे देखेंगे, एम अपॉन जेड। क्या बोला है? वैन एम अपॉन ई ऑफ मॉलिकुलर हैज एन इवन नंबर, एम अपॉन ई फॉर मॉलिक्यूल हैज एन इवन मास, यानी जो कंपाउंड का हम स्टडी कर रहे हैं उसका ई एम अपॉन ई, क्या एम अपॉन ई जो है, जिसे अपन बोल सकते हैं मास अपॉन चार्ज वैल्यू, किसमें होना चाहिए? अगर इसमें है, इवन नंबर में है, उसका ई एम अपॉन ई मा, ठीक है, मास अपॉन चार्ज वैल्यू किसमें है हमारा? इवन नंबर में। तो उस कंपाउंड में नंबर ऑफ नाइट्रोजन भी इवन नंबर में होगा। तो देखिए, एक बार देख लेते हैं क्या है। व्हेन एम अपॉन ई फॉर मॉलिक्यूल हैज एन इवन मास, इवन नंबर ऑफ एएमयू आपको पता ही है कि हम मास को मेजर करने की यूनिट है। द कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल मॉलिकुलर फॉर्मूला हैज एन इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी 0, 2, 4। क्या स्टेटमेंट है? अगर किसी मॉलिक्यूल में एम अपॉन ई या एम अपॉन जेड मास अपॉन चार्ज रेशो इवन नंबर में है तो उसके अंदर नाइट्रोजन कितने क्या होंगे? इवन नंबर में ही प्रेजेंट होंगे। या तो क्या होगा, 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा। गॉट इट? हाँ, एम अपॉन जेड वैल्यू इवन में है तो उस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का नंबर भी इवन नंबर में होगा। वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट, व्हेन एम अपॉन ई फॉर एन मॉलिक्यूल हैज एन ओड मास, कैसा है? ओड मास, ओड नंबर ऑफ एएमयू, द कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिकुलर फॉर्मूला हैज एन ओड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो वहां पर हमने क्या बोला है इस वाले में, कि अगर एम अपॉन जेड की वैल्यू किसमें होगी? इवन में होगी, तो नाइट्रोजन की संख्या भी किसमें होगी, नंबर भी किसमें होगा? इवन नंबर में होगा। इस स्टेटमेंट में हमने क्या बोल दिया, एम अपॉन जेड की वैल्यू अगर ऑड नंबर में होगी तो हमारे उस मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन की नंबर भी किसमें होगा? इवन नंबर के अंदर। इवन नंबर क्या है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, 1, 3, 5। एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का एम अपॉन जेड वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है। एम प्लस पीक के लिए, मॉलिकुलर आयन के लिए कितना आ रहा है? 100। हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं,
100 क्या है, 100 इज इवन नंबर, तो हम बोल देंगे कि नाइट्रोजन भी किस में होगा, इवन नंबर में। हो सकता है 0 नाइट्रोजन हो, एब्सेंट हो, या हो सकता है 2 हो, 4 हो, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए हमारे पास में एम अपॉन जेड वैल्यू मॉलिकुलर आयन की कितनी है, 99, तो 99 इज ए ऑड नंबर एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल्सो इन ऑड नंबर 1, 3, 5, गॉट इट। तो ये तो हो गया हमारा नाइट्रोजन रूल, बहुत ज्यादा इजी है, बट कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। कैसे देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अभी जो एग्जांपल लिए थे वो हाइपोथेटिकल थे, अभी एग्जांपल नहीं थे, हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे थे। अब हम प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का मैंने यहाँ पे कई मॉलिक्यूल जनरेट किए हैं, ये आयन बनाया है, एक ये आयन बनाया है और एक ये आयन बनाया है। इन आयन को बोलते क्या है, तो सुनिए, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन बनाया हमने। देखिए ये जो मॉलिक्यूल था इसमें जितने एटम थे सेम एटम बनाया, बस एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, इलेक्ट्रॉन का बम्बारमेंट करा दे, गॉट इट। ये तो हमने बताया था लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से जैसे मान लीजिए NO2 रिमूव हो गया, तो क्या बना लिया, NO2 प्लस। इस NO2 प्लस से क्या बन गया, NO प्लस। तो इन आयन्स को, इन पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम बोलेंगे क्या, फ्रैगमेंट आयन। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हमें क्या देखना है, एम अपॉन ई या एम अपॉन जेड वैल्यू देखनी है। तो इसका एम अपॉन जेड वैल्यू क्या है, 123। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम कैसे कैलकुलेट करें इसको, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। इधर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, इसको ही कैलकुलेट करके देखते हैं। आइए इसका कितना है, 123। तो देखो इसमें देखिए नाइट्रोजन कितने, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1, तो 1 × 14 आ गया नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, ओके। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, तो 2 × 16 = 32, गॉट इट। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस कंपाउंड इज 6 × 12 = 12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये लीजिए। एंड हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5 हाइड्रोजन इनटू 1 = 5। ये तो बहुत इजी बातें हैं, सबको पता होनी चाहिए। अब इनको ऐड कर लीजिए सबको, इनका एडिशन कितना आएगा देखिए, कितना देखते हैं, 4 + 4 = 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 13, 1, 7 and 3, 10, 11 और 1, 12, कितना आ गया, 123। ये मैंने क्यों करके बताया, कई बार आपके माइंड में आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया कि मॉलिकुलर आयन, इसको मैं बोलूँगा मॉलिकुलर आयन, और ये जो फ्रैगमेंट मिले हैं इनको मैं क्या बोलूँगा, बिल्कुल इनको मैं बोलूँगा फ्रैगमेंट आयन। इनका भी मैंने M अपॉन Z लिखा है और इनका भी M अपॉन Z यहाँ पे मैंने लिखा है इनके सामने, 46 और 30। नाइट्रोजन रूल लगाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ नाइट्रोजन, कट इट, ओके। 123 ऑड और इवन, इट इज ऑड नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे इस कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड में कितने नाइट्रोजन होने चाहिए थे, 1, 3, 5, इवन नंबर के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस नंबर, और हमारे इस कंपाउंड में कितने नाइट्रोजन है, 1, गॉट इट। अब मैं बात करता हूँ फ्रैगमेंट आयन पे रूल लगाने की कोशिश करता हूँ। फ्रैगमेंट आयन में एम अपॉन जेड वैल्यू है इवन में, और इवन में अगर इवन में है एम अपॉन जेड वैल्यू, तो नाइट्रोजन रूल बोलता है फिर तो इवन नंबर में ही हमारे पास में क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो ऑड नंबर में, तो मैंने ये पॉइंट इसलिए उठाया है कि आप ये नाइट्रोजन रूल किस पे लगाएंगे, मॉलिकुलर आयन पे लगाएंगे, ना कि फ्रैगमेंट आयन पे, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर आपने फ्रैगमेंट आयन से ये नाइट्रोजन रूल लगाया तो ये बोल रहा है 46, ये बोल रहा है 30, ये है इवन नंबर में, और नाइट्रोजन भी किस में होना चाहिए, इवन नंबर में। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, जबकि गिवन कंपाउंड में
वन, कॉन्टेक्ट। तो हमें ये नाइट्रोजन रूल किस पे लगाना है, मॉलिकुलर आयन पे लगाना है, मॉलिकुलर आयन पे लगाना है, मॉलिकुलर आयन पे लगाना है, ठीक है। दिस इज द कीवर्ड, एम अपॉन ई और एम अपॉन जेड, मास अपॉन चार्ज वैल्यू। इस कंपाउंड की बात करते हैं, इसका आईबीएस नेम आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। इसका मैंने बना लिया है मॉलिकुलर आयन, दिस इज मॉलिकुलर आयन, और ये रहा है इसका एम अपॉन जेड की वैल्यू 184। आप कैलकुलेट करके देखिएगा 184 ही आएगी। चलें आगे, और मैंने इसका एक फ्रेगमेंट आयन भी बना लिया है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। देखिए हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, गायब, मैजिक ठुम गायब। अगर कोई एटम मिस हो जाता है, हमारा जो गिवन मॉलिक्यूल है उसमें से कोई भी एक एटम मिस हो जाता है, तो अब जो आयन बचा है उसे मैं क्या बोलूंगा, फ्रैगमेंट आयन, फ्रैगमेंट आयन। इसका एम अपॉन जेड कितना है, 183। इसका कितना है मॉलिक्यूलर आयन का, 184। मैं नाइट्रोजन रूल किस पे लगाऊंगा, मैं नाइट्रोजन रूल लगाऊंगा इस पे, मॉलिक्यूलर आयन पे, ये 184। नंबर क्या है डजंट मैटर, ये ऑड है ये इवन है, देखिए इवन है, तो हमारे गिवन कंपाउंड में भी नाइट्रोजन कैसा हुआ, इवन नंबर में। तो ये यहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा, दो है, गॉट इट। जबकि ये क्या है, ऑड नंबर है, अगर हम इस पे अप्लाई कर देंगे तो हमारा या तो वन या थ्री या फाइव, ऑड नंबर में आएगा, गॉट इट। ओके, तो हमने अभी तक तो क्या सीखा है, नाइट्रोजन रूल क्या है, किन पे लगाना है, मॉलिकुलर आयन पे लगाना है, फ्रेगमेंट आयन पे नहीं लगाना है, मॉलिकुलर आयन क्या है और फ्रेगमेंट आयन क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपके थ्योरी का पोर्शन है तो आप इन दो एग्जांपल के साथ में एग्जाम हॉल में एंटर कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने और लिए हैं, इसको और थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और इनके आगे, जस्ट आगे मैंने मॉलिकुलर वेट लिखा है इनका, और इसके आगे मैंने लिखा है एम अपॉन ई या एम अपॉन जेड वैल्यू ऑफ एम प्लस पीक। इस कंपाउंड में मॉलिकुलर वेट है ये, मैंने ध्यान रखना मॉलिकुलर वेट नहीं बोला है कहीं पे भी, मैंने बोला है एम अपॉन ई मास, मास अपॉन चार्ज वैल्यू लिखनी है हमें, ये देखना है। कई बुक्स में लिखा हुआ है कि मास, गिवन कंपाउंड का मास, गिवन कंपाउंड का मास तो ये रहा, और इसका मॉलिकुलर वेट है 100। अब एक बताइए 100 है वो ऑड है या इवन है, इवन है, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पर दो या जीरो होने चाहिए थे नाइट्रोजन, जबकि इसमें तो 1% है। तो एम अपॉन ई कितना है इसका, 99, और ये क्या है ऑड नंबर में, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास में नाइट्रोजन कैसा है, ऑड नंबर में है, गॉट इट। नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल का मॉलिकुलर वेट ये रहा और एम अपॉन ई या एम अपॉन जेड वैल्यू इसके सामने दे रखी है, तो हम किस पे नाइट्रोजन रूल लगाएंगे, एम अपॉन ई वैल्यू पर, 109 इज ए ऑड नंबर, और ऑड नंबर में हमारे पास में यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लास्ट एग्जाम्पल, इसका मॉलिकुलर वेट और एम अपॉन जेड और एम अपॉन ई वैल्यू सेम है, 80 इज ए इवन नंबर, और यहां पर नाइट्रोजन भी दो है, इवन नंबर के अंदर प्रेजेंट है। तो कुछ बातें क्लियर हुई होंगी, बहुत बुक्स में ये मिस्टेक है, सिर्फ मॉलिकुलर वेट दे दिया गया है, तो आप इससे बच के रहें, क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे मैंने बताया, अगर आप वैसे करके आएंगे तो 100% सही रिजल्ट मिलेगा। ओके, होपफुली आपको समझ में आएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।